हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? फिर से स्वागत है आपका घर की रसोई चटपटा पे। और देखिए, आज हमने जो है पूरी और चटनी बनाई है प्याज की, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप देख सकते हो कितनी ही ज़्यादा टेस्टी दिख रही है, तो खाने में कितनी टेस्टी लगे। अगर आप भी सीखना चाहते हो तो इसको वीडियो पूरा एंड तक देखते रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको मैदा चाहिए। आप 1 किलो मैदे का अगर बनाना चाहते हो तो 1 किलो मैदा ले लेना, और आप ज़्यादा नहीं, 1 पाव जो है या 100 ग्राम या 200 ग्राम आप सूजी ले लेना, और थोड़ा सा दही ले लेना जितना आपको चाहिए, मतलब कि आधा पाव दही ले लेना, ठीक है। उसके बाद आपको 1 चम्मच चीनी डालना है उसमें, और थोड़ा सा आप अपने स्वाद के हिसाब से नमक डालना, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप ये सब ले लेना, और उसके बाद जो है आपको इसमें ऐड कर देना है सब चीज़, ठीक है। तो इसमें दही डाल दिया मैंने और सूजी डाल दिया। अब जो है इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालवा देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा चीनी डाल देना। चीनी डालने के बाद इसको जो है ना अच्छे से सान लेना है, बहुत ही अच्छे से, जितना हो सके आप जितना अच्छे से सानोगे इसको उतना ही अच्छा आपका स्वाद लगेगा खाने में। और ये एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, ये पूरी जो है ना बिल्कुल तेल नहीं सोखता है और बहुत ही अच्छा रहता है। तेल तेल जो नॉर्मल पूड़ी होती है वो जो बहुत सारा तेल लगता है खाने पे और पेट भी ख़राब हो जाता है, ये ऐसा नहीं होगा। आप एक बार ट्राई करना, बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। इसे आपको अच्छे तरीके से सान लेना है, मसल के जितना हो सके अच्छे से सानोगे उतना ही आपका पूड़ी जो है बहुत ही अच्छा लगेगा खाने पर, ठीक है। तो ये अभी सान लेता हो, ठीक है। हमारा जो है मैदा सना गया है, ठीक है। सने के बाद जो है इसको जो है ना कम से कम 4 से 5 घंटा इसको रखना है ऐसे ही। हो सके तो आप फ्रिज में रख देना क्योंकि ख़राब ना हो, और जहाँ कम ठंडा हो वहाँ पे रखना। उसके बाद देखो इसको निकाल दिया हूँ मैं। अब जो है मेरा 4 से 5 घंटा हो गया, अब जो है ये तैयार हो गया है। बस थोड़ा सा इसे और अच्छे से सान लेना जब बेलने के टाइम में। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको जो है अच्छे से सानने के बाद आपको थोड़ा सा आटा ले लेना है, जो बेलने में आपको आसानी होगा, क्योंकि ये टाइट हो जाता है तो बेलने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो थोड़ा आटा ले लेना आप खुश्की के तौर पे, मतलब कि ये फंसे नहीं, आपके बेलने में फंसे नहीं। और इसे लोइया जो होते हैं ना, इसके कम से कम जो है लोइया होने चाहिए एक रोटी के बराबर, जहाँ जितना बड़ा होना चाहिए। और उसके बाद आपको लोइया लेके, उतना बड़ा नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा ये पूड़ी खाने में, ठीक है। इसको लोइया हो गया, लोइया होने के बाद आपको इसको बेलना है। थोड़ा टाइट लगेगा बेलने में, लेकिन स्वाद तो बहुत ही ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो आपको इसे बेल लेना है अच्छे तरीके से, गोल आप अपने हिसाब से बेल लेना, ज़्यादा बड़ा हो या छोटा हो आप अपने हिसाब से बेल लेना। जैसे बेलोगे देखो, अब जो है मेरा तेल भी शायद गर्म हो गया होगा। अब बेलने के बाद देखो इसमें मुझे तेल में डालना है, ठीक है। तो मेरा तेल भी गर्म हो गया और बिला भी गया। अब देखो मैं इसमें डलवा देता हूँ, और देखो अब ये पूड़ी बनने के लिए तैयार हो गया है। अब जो है ये तैयार हो गया है, तो ये देखो इतनी अच्छे से जो है ये पूड़ी बन रहा है, और ये फूलेगा भी। ऐसा नहीं है कि मोटा है तो फूलेगा नहीं, मोटा लोहिया के बना रहे हो तो फूलेगा नहीं, बहुत ही अच्छा फूलता है। और देखो ये फूलता भी अच्छा है, और आपको हल्का मतलब धीमा पहले हीट कर लेना है, उसके बाद हल्का धीमा आँच में पकाना है, ठीक है। ये देखो हमारा पूड़ी तैयार हो गया है। अभी देखो ये सारा मैंने पूड़ी बना लिया है, थोड़ा सा मैं वीडियो को स्किप किया था, अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। आपको अच्छे से बना लेना है। जो है मेरा पूरा जो सारा पूड़ी था मैंने तैयार कर रखा हूँ, मैंने ज़्यादा मैदा नहीं लिया था, ठीक है। ये पूड़ी हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं बताता हूँ कि चटनी कैसे बनाना। चटनी के लिए आपको चाहिए प्याज और थोड़ा सा टमाटर और हरी मिर्च, धनिया पत्त और सरसों। तो यहाँ पे जो है हो गया, और ये आइटम ले लेना सबसे पहले जो है सरसों, और यहाँ पे जो है थोड़ा सा प्याज डाल लेना जितना आपको चटनी चाहिए, और उसके साथ एक लाल मिर्ची 2-3 जितना झाल के हिसाब से, आप जितना तीखा खाना चाहो उसके हिसाब से थोड़ा सा इसे फ्राई कर लेना। हल्का फ्राई करना जो लाइट दिखे, इतना नहीं करना है कि पूरा काला हो जाए, तो हल्का फ्राई करना है इसको। देखो मैं फ्राई करवा रहा हूँ। ये फ्राई करने के बाद आपको क्या करना है ये भी मैं बताऊँगा, ठीक है। हाँ, अगर एक बात और बता दूं, अगर आपके पास चने दाल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, मूंग दाल ले सकते हो, दोनों में एक ही टेस्ट आएगा, ठीक है। आप इसे फ्राई कर लेना, ठीक है, अच्छे से। अब ये हो गया हमारा फ्राई। अब मुझे क्या करना है, इसको जो है
मिक्सर ग्राइंडर में पीसना है, ठीक है। इसको आप निकाल लो, उसको निकालने के बाद आप जो है जार में डाल दो, और जार में डालने के बाद आपको मिक्सर ग्राइंडर से चलाना है। ये मैंने निकलवा दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो है थोड़ा सा टमाटर डाल देना है, और हरी मिर्च अगर डालना चाहते हो और तीखा तो हरी मिर्च डाल सकते हो, या आप उसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको धनिया पत्ती डाल देना है, और धनिया पत्ती डालने के बाद आपको मिक्सर में इसे चला देना है, ठीक है। मिक्सर में इसे चला देना, हल्का पानी डाल देना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, पतला नहीं रखना है, इसे मोटा थोड़ा रखना है, ठीक है। ये अभी मिक्सर चालू हो गया है, अब मिक्सर चलने लगा है तो ये हो गया हमारा चटनी तैयार। अब इसे निकाल लेना है। निकालने के बाद और आपको एक काम करना है, छोटा सा काम करना है, इसे जो है थोड़ा सा सरसों से और थोड़ा सा आपको करिया पत्ते चाहिए, और आपको चाहिए थोड़ा सा मिर्च, मतलब आप थोड़ा सा दो तीन मिर्च लेके इसे थोड़ा झोंक लगा देना, जिससे इसका जो टेस्ट है इसमें इसका टेस्ट जो है ना और भी अच्छा लगने लगेगा। तो देखो मैंने ये अब ले लिया है और सारा हो गया है प्रोसेस, तो मैं इसे इसमें डाल देता हूँ थोड़ा करिया पत्ता, और जो है सरसों, और दो तीन मिर्च भी डाल सकते हो, इसमें झाल नहीं होगा, बस इसका झोंक लगाने के लिए। तो ये देखो झोंक लग रहा है, अब जो है आपको इसको हल्का सा लगा के उसको आपको ऊपर से ढाल देना है। तो देखो ये हो गया है हमारा झोंक रेडी, बस इसको हल्का सा टेस्ट के लिए ढाल देना है। जो देखो और कितना खूबसूरत दिख रहा है, तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना। और देखो ये अब हमारा रेडी हो गया है, और इस तरीक़े से आपको शाम का नाश्ता या सुबह का नाश्ता कर सकते हो। बहुत ही अच्छा है इसका टेस्ट, खा के मैं चेक कर चुका हूँ, और आप भी चेक करना चाहते हो ज़रूर ट्राई करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट टिप्स लेके आपके लिए कोई अच्छी सी रेसिपी। बाय बाय।